दोस्तों नमस्कार, देवेश नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। आगे चर्चा करने के पहले थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। इस वीडियो में हम आपको खरीदने और बेचने की सलाह, राय, टिप, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रहे हैं। निवेश के मामलात में निर्णय लेने के लिए आप सीधे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की शरण में जाएं। किसी भी हालत में आपको होने वाले लाभ का श्रेय और हानि का दोष पूरा का पूरा 100% आपके सर पर होगा। हमारी बात एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकालिएगा। साथ में हम जो भी केस स्टडी लेके आते हैं, हो सकता है कि उस केस स्टडी में जिस स्टॉक की चर्चा हो उसमें हमारा व्यक्तिगत निवेश हो, हम इंटरेस्टेड पार्टी हो सकते हैं। इसीलिए आपको हमारी बात पर कुछ भी नहीं करना है, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। दोस्तों आज चर्चा करते हैं अपन BPCL की। तो BPCL को लेकर नया घटनाक्रम यह हुआ है कि वेदांता जो ग्रुप है उसके अनिल अग्रवाल साहब 11 से 12 बिलियन डॉलर लिए बैठे हैं BPCL को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि ये जो अनिल अग्रवाल साहब हैं ये 12 बिलियन डॉलर लिए बैठे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो BPCL की जो अपनी 53% की हिस्सेदारी बिक रही है क्या उसको 12 बिलियन डॉलर में खरीद रहे हैं? तो उसका जवाब है ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 12 बिलियन डॉलर वो कंपनी की वैल्यू आंक रहे हैं, कंपनी की 100% हिस्सेदारी की कीमत। सरकार बेच रही है 53%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 53% वो 12 बिलियन में खरीद रहे हैं। नहीं, वो जो है 12 बिलियन डॉलर कंपनी का भाव लगा रहे हैं और वास्तव में कंपनी का मार्केट कैप इतना ही है, 11.4 जो है बिलियन डॉलर कंपनी का मार्केट कैप है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अपन को जो है दिग्भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है कि भैया 12 बिलियन डॉलर में वो 53% की हिस्सेदारी खरीद रहे, वो 12 बिलियन डॉलर कंपनी की वैल्यू आंक रहे, उसके अनुसार वो निकालेंगे 53% का वैल्यूएशन। मतलब वो BPCL का एक शेयर जो खरीदेंगे उसको भाव देंगे करंट भाव 400 का, ये उनकी बातों से लग रहा है अभी। लेकिन सवाल उठता है कि BPCL को जो 400 का भाव वेदांता ग्रुप देख रहा है क्या वो जायज है? तो यहाँ आपको समझना होगा वेदांता ग्रुप की मेंटेलिटी। वेदांता जो ग्रुप है वो बिल्कुल बहुत ही पारखी नजर वाले लोग हैं, वो एक रुपया ज्यादा नहीं देते। मतलब जितना वैल्यूएशन BPCL डिजर्व करता है वो उतना ही वैल्यूएशन देंगे। और अनिल अग्रवाल साहब ने तो साफ साफ कहा है कि वो जो है राइट प्राइस देंगे, वो अनाप शनाप वैल्यूएशन नहीं देंगे BPCL को। साथ में BPCL की बिक्री में अभी जो देरी हो रही है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो विदेशी फंड है उनको दिक्कत आ रही है इतना बड़ा पैसा लाने में। कारण क्या है उसका? उसका कारण यह है कि जो अपन ने पहले भी चर्चा करी है कि BPCL का धंधा है पेट्रोल डीजल का, लोगों को लगता है कि इस धंधे का सूर्यास्त होने वाला है। तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि जिस धंधे का सूर्यास्त होने वाला है उसमें आप पैसा क्यों लगा रहे हैं इतना बड़ा? इसी दिक्कत के कारण पैसा नहीं आ पा रहा, और साथ में कोरोना की दिक्कत तो चली रही है। लेकिन उम्मीद है कि चूंकि BPCL जो बड़ा असेट है, अच्छा असेट है, चालू असेट है, प्रॉफिटेबल असेट है, इसलिए इसके खरीदार तो आएंगे। उनमें से एक प्रमुख खरीदार है अपने अनिल अग्रवाल साहब, वेदांता ग्रुप। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य समझो आप। मूल उद्देश्य यह है कि अनिल अग्रवाल साहब जो है BPCL को खरीदने के पहले कितना दिमाग लगा रहे हैं आप ये सोचो। मतलब वो BPCL का मार्केट कैप भी देख रहे हैं, BPCL के एसेट भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि और लोग BPCL को कितना दाम देने को तैयार हैं। करेक्ट, हम आपसे आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हुए आए हैं कि भाई साहब आप सब्जी मंडी में जाते हो, टमाटर भिंडी या प्याज लेते हो, हर चीज में आप मोल भाव करते हो, कपड़े खरीदते हो आप मोल भाव करते हो, तो भाई साहब शेयर मार्केट में मोल भाव करने से आपको किसने रोका है? आप पेटीएम खरीद रहे, नायका खरीद रहे या आप HDFC बैंक खरीद रहे? भैया जी सबका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखिए, सबका प्राइस टू बुक देखिए और फिर देखिए कि भाई साहब आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ होगा। ऐसा नहीं कि कंपनी आई है तो हमें खरीदना ही खरीदना है, IPO आया है तो हमें अप्लाई करना ही करना है। TV, YouTube, अखबार की बातें मानने से दोस्तों किसी का भला नहीं होता। आप अगर लगे तो आप मान के देख लो। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है इस वीडियो में कि जब अनिल अग्रवाल साहब BPCL खरीदते समय इतना जमाने भर का दिमाग लगा रहे
तो जब हम सभी शेयर खरीदते हैं तो हम सभी दिमाग क्यों ना लगाएं, हम क्यों मोलभाव ना करें? मोलभाव करना हमारा हक है। और इसी बात की रिक्वेस्ट करी थी अपन ने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। रही बात बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल मोदी साहब बेचने को हैं तैयार। ये कब बिकेगी वो सिर्फ समय की बात है। एक पार्टी वेदांता ग्रुप तो तैयार बैठी, दो तीन पार्टियां और चाहिए, फिर अपन को पता पड़ जाएगा कि कितना वैल्यूएशन आ रहा है। कम से कम इतना तो है कि बीपीसीएल का जो करंट भाव है उस भाव पर खरीदार बैठे हैं, वो अनाप शनाप दाम नहीं है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई ना कि 400 रुपया का जो करंट भाव है उस पर खरीदार लोग बैठे हुए हैं। अब आप देख लो बीपीसीएल का चार्ट, तो बीपीसीएल का चार्ट भी यही बता रहा कि 350 के अराउंड इसका सपोर्ट है, डबल बॉटम का पैटर्न बना हुआ है वहां पर, और इसी भाव से निकला है बीपीसीएल का वैल्यूएशन, जिसके अनुसार वेदांता ग्रुप जो है बीपीसीएल की खरीदारी की वैल्यू निकाल रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब वेदांता बीपीसीएल को खरीदने के पहले वैल्यूएशन देख रहा है, ठीक उसी प्रकार आप सभी वैल्यूएशन देखिए। यही इस वीडियो का मूल उद्देश्य है कि आप सभी मोल भाव कीजिए। मोल भाव करना बहुत 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 जरूरी है। अब रही बात ये कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह समझना है, तो उसके लिए आप आ जाएं किसमें, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। 40 घंटे का कोर्स है, एकदम चुस्त कोर्स है। जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, उस पर कीजिए क्लिक और आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स को कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।